मुख्यमंत्री की तुलना प्रधानमंत्री से करोगे? बोलो, रेप वहाँ होता है, आपने प्रधानमंत्री से पूछे ना, देश के प्रधानमंत्री जी हैं। पर स्मृति ईरानी पारसी शादी करती है तो कट्टर हिंदू रहती है। आज बेटियों से पूछे ना कि उनका हक क्या है, बेटियों ने कपड़े पहन लिए तो दिक्कत, कपड़े ना पहने तो दिक्कत, पानी ना पीना भी जिहाद है, सही काम के लिए दुआ करना भी जिहाद है। सावरकर देशभक्त था भाई, हिंदू मुसलमान कुछ करना आता। 2024 आ गई, कम से कम अब तो लव जिहाद छोड़ दो। बधाई हो, खुशखबरी है, कम से कम भाजपा के पास का मुद्दा खत्म हो जाएगा। हिंदूवादी क्या कहते हैं सरकार बैठी है, वो आजकल ज्यादा चर्चा में करते हैं, गजवाई हिंदू को वो चर्चा में ज्यादा लेते हैं। किसी के बाप का है कि तुम्हारे बाप का है, बताओ? मुसलमानों का पानी ना पीना भी जिहाद है, सही काम के लिए दुआ करना भी जिहाद है। जिहाद का मतलब होता है, अरे गजवाई हिंद चाहते हैं मुस्लिम लोग, गजवाई हिंद का नारा तो क्या कहते हैं जो बाबर ने दिया? नहीं, हिंदूवादी क्या कहते हैं सरकार बैठी है, वो आजकल ज्यादा चर्चा में करते हैं, गजवाई हिंदू को वो चर्चा में ज्यादा लेते हैं। अच्छा। देखो, ये हिंदुस्तान है और भारत है। हिंदुस्तान है, भारत है, इंसानियत, ठीक है। इंडिया तो अंग्रेजों का दिया हुआ नाम है, वो भी जानते हैं। 1 जनवरी 2024 को राम मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ बधाई हो, खुशखबरी है, कम से कम भाजपा के पास का मुद्दा खत्म हो जाएगा। अब मुद्दा काशी मथुरा बाकी है। मैं क्या कह रहा हूँ, हल्द्वानी खत्म हो जाएंगे, वो लोग तो शुरू कर रहे हैं 24 आते साथ। अच्छा, ये बताइए काशी मथुरा, अब राम देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही जजमेंट में लिख दिया था कि आर्टिकल 1 था उसमें कि उसके बाद राम मंदिर को छोड़कर जो जहाँ पे जिस आधार पे है उस आधार पे रखा रहेगा। कई बार डिबेट में हमने चर्चा कर चुके हैं। हमारे कहने का मतलब है, अब युवाओं की बात कर लो, अब 2024 आ गई, कम से कम अब तो लव जिहाद छोड़ दो। अरे तो मुसलमानों से आप दोस्ती करेंगे इस देश में? क्यों, किसी के बाप का है कि तुम्हारे बाप का है, बताओ? मुसलमानों का क्यों नहीं करेंगे दोस्ती? किसी के बाप का देश है ये? क्या टुकड़े टुकड़े करते हैं मुसलमान भाई? एक चीज बता दे, भाजपा के जो नेता है वो ठाकुर थे, मोदी ने वोट ले लिया मुसलमान का, और क्या? माता जी से पूछे क्या इस देश की आजादी में मुसलमान का हाथ नहीं है? खाली लगा दिया था, हिंदू मुसलमान कुछ करना था, देश की जनता भी समझ रही है। जी माता जी, मुसलमान करा। अब पिक्चर की बात करें, पिक्चर का टैक्स कौन ले रहा, कौन खा रहा टैक्स? सरकार मोदी को पूछ लिया, कह दिए जो कहना हो। अब आज के कौन खा रहा, ना हिंदू को पागल है ना मुसलमान पागल है, ठीक है, वो सब हिंदुस्तानी रहने वाले हैं। हम इसी मिट्टी के हैं, हम इसी मिट्टी में रहेंगे, हम 60 का पेंशन नहीं लेते हैं। सावरकर वाले क्या भगवान का अपमान हो रहा है? अरे सावरकर का अपमान कर दिया आपने, सावरकर देशभक्त था भाई, सावरकर रेपिस्ट था। भगवान का अपमान नहीं किया होगा उतना, क्या कहते हैं इस, क्या कहते हैं नेशनल मीडिया ने और इस देश की मीडिया ने इतने जितना भगवा का अपमान किया है, इतना वाइकॉट मंडली ने भगवा का, आपने सावरकर को रेपिस्ट कहा, तो सही है, सच को भाई हम सच बोलेंगे। और जो सच है आज के परिप्रेक्ष्य में प्रधानमंत्री जी इनके लिए पूछेंगे, 7 साल की पेंशन नहीं है, बड़े बुजुर्ग को पेंशन लिया, क्यों नहीं बनाई? पैसा खत्म हो गया, किसके पैसा? पैसा खत्म है। अच्छा, पैसे खत्म है, पैसे बता दूं झारखंड में कितने पैसे निकले, कितने पैसे निकले आ गए? सिलेंडर के दाम बताओ, 1100 रुपए, 1200 तो क्या हुआ, 1200 रुपए, कमाई बढ़ गई है कितनी, 35-35 हजार लोग कमा रहे हैं, 35 हजार कमा रहे हैं। मोबाइल कितने का तुम्हारे पास? मेरे पास 11 हजार रुपए का निकाले, कम है क्या 11 हजार? मोबाइल 11 हजार का है, लोग 11-11 हजार के मोबाइल रख रहे हैं। अरे तुम 1 लाख का कैमरा लेके दिखा रहे हो पब्लिक के आगे? योगी जी मोदी जी पैसा दे रहे हम लोगों को, मतलब योगी जी राम मंदिर बन रहा भाई, सरकार जो है पत्रकारों को पैसा भी दे रही है, तुम्हारे करें मतलब ये है। दिक्कत क्या भाई, भाई बेहतर काम हो रहा है, कह रहे हैं एडवर्टाइजमेंट कीजिए, पैसा लीजिए हमसे, ये है सरकार की कोई नीति। तभी तो हमने कहा कि 14 करोड़ का जो एडवर्टाइजमेंट मिला है तुम्हारा हिस्सा आया होगा। आज सरकार एडवर्टाइजमेंट दे रही है लेकिन बेटियों के लिए कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं निकाला गया। बेटियों से पूछे ना कि उनका हक क्या है, बेटियों ने कपड़े पहन लिए तो दिक्कत, कपड़े ना पहने तो दिक्कत, पठान को लेके सीधा स्टेटमेंट है, हिट होती हो तो भी कोई दिक्कत नहीं होती तो कोई दिक्कत नहीं। भगवा को बदनाम किया, हम संत हैं, पिक्चर में कमेंट नहीं करते, भगवा को बदनाम किया, आपको हाथ नहीं हुआ, दोहरी मानसिकता है आपकी, हिट हो ना हो, क्या दोहरी मानसिकता है आप भाई? मुझे मतलब ही नहीं है, न्यूट्रल आपका दोनों
कोई देखने जाएगा तो नहीं मना करूंगा। नहीं हम जाते हैं देश का सम्मान बस। चलो ठीक है। जब इंदिरा गांधी जी ने फिरोज गांधी से शादी की तो वो पारसी हो जाती है, पर स्मृति ईरानी पारसी से शादी करती है तो कट्टर हिंदू रहती है। अच्छी बताओ रवानी की दामाद कौन है, मुसलमान नहीं है? मुताब असलक भी कौन है बताओ? अधिकार देता है क्या मतलब? उनके दामाद जो राज क्या मतलब संविधान में लिखा प्रधानमंत्री नहीं है? सुनिए संविधान में लिखा है क्या ये लोग तुम्हारा क्या है नया दस्तक? भाजपा वालों खुली छूट है, जो मन में आए वो कर लेगा। खुला है संविधान में लिखा? कहाँ संविधान में लिखा दिखाओ, कौन से पेज नंबर? देश मनुस्मृति चल रहा है, मनुस्मृति चल रहा है, संविधान कहाँ चल रहा है? मनुस्मृति ने संविधान चल रहा है, हम संविधान चलाने चल रहा है। अंजलि को न्याय मिल गया होता का संविधान चलता था, अंजलि को न्याय मिल गया। न्याय तुम्ही लोग दिया देते हो ना, क्योंकि आप ही लोग गोदी मीडिया लेके चले जाते हो चुन्नू मुन्नू को डिबेट कराने के लिए रात शाम को। बताओ जब काम की बात करो तुम लोगों को मन आता राहुल टी शर्टें खराब हो गई। अरे तुम काम की बात करो, महंगाई भ्रष्टाचार की बहुत तुम महंगाई की मान बहुत महिला उत्पीड़न की बात। कपड़ा पहन के कांग्रेस कर रही है, वोट भी कहाँ मिल रहा है? महंगाई क्या मिल रहा है भाई? वोट की चिंता तो आप लोग करिए जिनको वोट खरीदना होता है भाई। भाजपा वाले कहते हैं, लेकिन आज जो मुद्दा है महिलाओं का, आज जो मुद्दा है भ्रष्टाचार का, आज जो मुद्दा है कि हमारे यहाँ पे हम सर्वाइव नहीं कर पा रहे, हम सुरक्षित नहीं महसूस कर पा रहे, मुद्दा उस पर बात करो ना। ईरानी की बेटी खुलेआम भी बेचती है, कोई कार्रवाई नहीं होती, महिलाओं को आजादी मिल गई। भैया ईरानी की बेटी तो बहुत कुछ कर सकती है, साथ भी कभी बहुत तेरी बिकनी पहनी थी, दिखी रही फोटो तो दिक्कत है। कांग्रेस की गलती है महिला सुरक्षित नहीं है भाई। अच्छा ये बताओ, हम ये कह रहे हैं कि भैया तुम छोड़ दो। कल एक लड़का आदमी ने हमारे ट्विटर पे लिखा कि हम आप भी विपक्ष में अपनी भूमिका मानते हैं, तो हमने उसको रिप्लाई दिया कि तुम इस्तीफा लगाओ, अभी हम सत्ता में आते जवाब हर चीज का देंगे। जो कपड़े उतार के यही जंतर मंतर में टहले हैं, आज वो बताएं ना कि महंगाई भ्रष्टाचार पे कुछ बोलेंगे। सत्ता में आना चाहते हो, असली खेले है तो बदनाम करके। अच्छा ही बताओ, बदनाम को बदनाम नहीं किया जाता, तुम खुद ही बदनाम कर रहे हो कौन? अच्छा ही बताओ, ये बताओ, दो करोड़ रोजगार तुम्हें मिला, 15 लाख मिले आगे मेरे खाते में आ गए। चलो ठीक है निकाल ये क्या भाई, सभी कैमरा मैन दिखाओ इसको, 15 लाख मिला है, 15 लाख आगे को रोजगार मिल गया है। अच्छा देश तरक्की कर रहा है, डाटा है, बिल्कुल डाटा है, निकालो 8 साल में 7 लाख एनसीआर भी निकालो, बेरोजगारी का निकाल लो, खाली हो कैसे बात मत करना। अरे अपवाद स्वरूप हो जाते हैं, अपवाद मत गिनाओ हमको, हमें मत बताओ, हमें ना बताओ। तुम्हारे तुमको माइक मिल गया है, ये तुम्हारा रोजगार है, और तुम्हें पेमेंट इसकी मिलती है दलाली करने की, सीधी बात है। राजस्थान छत्तीसगढ़ में कितना रोजगार मिल गया? कोई खतरे भाई, मैं नहीं हूँ ये मोहम्मद समीर, रुक जाओ, ये मोहम्मद समीर है, कहाँ खतरे में हम लोग? ये तो बताओ राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कितना कितना रोजगार आया है कांग्रेस की सरकार, कितना डेवलपमेंट वहाँ हुआ है, या और भी राज्यों में देखिए आप, जहाँ जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, रेप अशिक्षा, गुजरात में 6,500 स्कूल को बंद कर दिए गए, राजस्थान में नहीं हो रहा है। पहले सुन तो लीजिए, सुना करिए, प्रधानमंत्री का क्षेत्र है, बोले बोले चीखे चिल्लाने से नहीं होगा, बोले मुख्यमंत्री की तुलना प्रधानमंत्री से करोगे? बोलो क्यों नहीं करेंगे, देश के नागरिक हैं। आप एक 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 प्रदेश से चिल्ला देते कर लोगे, क्या दिमाग है? गोबर में रहने दिमाग में समझ में नहीं आता कोई चीज। सुनो, अरे गोबर नहा लीजिए, आप नहाओ, आप हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। हम अगर सही नहीं होना ना, हम ऐसे हमें पागड़ी रहने दो, हम गोबर को पूछते हैं, खाते नहीं, तुम खाओ, अपना मन पवित्र करो। गोबर पूछते हैं? हाँ, बंद करा दीजिए स्कूल कॉलेज। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज के परिपेक्ष में जो उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री जी ने बिहार गए, बिहार में 1.25 लाख करोड़ की घोषणा थी, कुछ नहीं मिला, वहाँ भी रेप होते हैं, वहाँ भी लोग चूल्हे में खाना बनाते हैं, गुजरात की ताजा शराब वहाँ बिकती है, लट्ठा कांड वहाँ होता है, रेप वहाँ होता है। आपने प्रधानमंत्री से पूछे ना, जो देश के प्रधानमंत्री जी हैं वो बताएंगे आपको, जवाब देंगे कि हमारे हम लोग पीड़ित हैं या नहीं है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो बहन बेटियों को न्याय मिलने के लिए हम लोग को हर दिन रोडों पे बैठना पड़ेगा। क्या ये चीज सही है? क्या लोकतंत्र की हत्या नहीं है?